अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाही। अस्सलाम वालेकुम, और मैं हूँ नाज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जब हल्की फुल्की भूख सताए, बेसन सूजी चीला बनाए। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बेसन सूजी चीला। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनता है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं बेसन सूजी चीला। बेसन और सूजी चीला बनाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ कप बेसन लिया है, हाफ कप सूजी लिए, और कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। हाफ स्पून रेड रेगुलर लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ स्पून हल्दी लिए, हाफ स्पून चिली फ्लेक्स लेंगे, हाफ स्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके इस तरह चॉप कर लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। 2 स्पून हमने हरा धनिया लिया है, हरे धनिया को इस तरह कट कर लिया, हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, और ना ही बेटर हमें थिक रखना है और ना ही बहुत पतला रखना है। जिस तरह हम पकोड़े का बेटर तैयार करते हैं, इसी तरह हमें बेटर तैयार कर लेना है। अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम बेटर तैयार करेंगे इसका। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए कवर करके इसे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह फैला लेंगे। अब बेटर को भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह पेन में फैला लेंगे। आप जैसी साइज़ चाहे ऐसी बना सकते हैं, हम यहाँ मीडियम साइज़ के बना रहे हैं। इसे हम लो टू मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। अभी हमने लो फ्लेम रखा है, अब मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे अच्छी तरह प्रेस कर करके हम सेक लेंगे। गोल्डन होने तक अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये सूजी ऐड करने से बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। माशाल्लाह, दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सीख चुका और माशाल्लाह बहुत प्यारा गोल्डन कलर आया है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में या शाम के साथ चाय के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब दूसरा भी इसी तरह हम बेसन सूजी चीला सेव इसी तरह बना लेंगे। इसी तरह बेटर को फैला लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भी हम अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई होने तक सेक लेंगे। इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। एक तरफ से सीख चुका है, इसे अच्छी तरह फैला फैला के प्रेस कर करके हमें सेकना है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। दूसरा भी रेडी हो चुका है। लीजिए, बनके तैयार है सूजी बेसन चीला। आप इसे टोमेटो केचप, ग्रीन चटनी और गर्मा गर्म टी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शाही को और नाज को इजाज़त दीजिए, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।